नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का सियासी संग्राम जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा सत्र की मांग कर रहे हैं। 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने की मांग अशोक गहलोत गुट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर तीसरी बार प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अब तक इस पर राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में कोरोना की भयावह स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते एक्टिव केसेस राज्य के लिए चिंता का विषय है। कलराज मिश्र ने कहा कि प्रदेश में फैलती कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर होने वाला एट होम इस बार नहीं होगा। कलराज मिश्र ने कहा कि 13 मार्च को विधानसभा सदन की कार्यवाही स्थगित की गई थी, तब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 2 थी। राज्यपाल ने बुधवार को जारी प्रेस नोट में कहा कि उस वक्त कोरोना महामारी के फैलाव को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के सत्र को स्थगित किया गया था। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को एक्टिव मरीजों की संख्या 3381 थी, जो 28 जुलाई को बढ़कर 10,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना का निरंतर विस्तार गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे, तभी इस वैश्विक महामारी के संकट से राज्य को बचाया जा सकता है। फिलहाल राजस्थान में कोरोना संक्रमण मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 10,745 हो गई है। अब तक राज्य में कुल कोरोना के मामलों की संख्या 38,964 हो गई है। इसमें से कुल पॉजिटिव में से रिकवर होकर 27,569 लोग अपने घर जा चुके हैं। वहीं कुल कोविड पॉजिटिव 650 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।